अंजू सीमा तोड़ते हुए पाकिस्तान तो पहुंच गई, निकाह भी कर लिया, लेकिन उसका विजिट वीजा खत्म होने से पहले ही उस पर दुखों का पहाड़ टूटता दिख रहा है। अंजू उर्फ फातिमा के शौहर नसरुल्ला का परिवार अंजू से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं भारत में भी उसके मायके और ससुराल वाले बेहद गुस्से में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजू ना दोनों ससुराल की हुई ना ही मायके की। अंजू की पाकिस्तानी शादी, ना मायका खुश ना दो दो ससुराल का सुख। अंजू उर्फ फातिमा, पहले विवाह अब निकाह। अंजू ना मायके की रही ना ससुराल की। पाकिस्तान पहुंचकर नसरुल्ला से निकाह करने वाली फातिमा उर्फ अंजू की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ उसके विजिट वीजा के खत्म होने का वक्त करीब आ गया है, तो वही पाकिस्तानी पति नसरुल्ला का खानदान अंजू को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता। खबरों के मुताबिक अंजू और नसरुल्ला के निकाह से नसरुल्ला के परिवार में बवाल मच गया है। जहां एक तरफ दोनों मियां बीवी दावत उड़ा रहे हैं, तोहफे कबूल कर रहे हैं, वहीं अंजू को लेकर पाकिस्तानी ससुराल में संग्राम छिड़ा हुआ है। यहां तक कि निकाह के रोज भी नसरुल्ला का परिवार शादी में शरीक नहीं हुआ था। अब आपको इसका कारण भी बता देते हैं। इस्लाम धर्म अपनाने वाली फातिमा उर्फ अंजू के साथ निकाह से पहले नसरुल्ला की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्ला से निकाह होने के बाद दो बच्चों की मां अंजू पर पूरा परिवार लाल पीला हो गया। असल में नसरुल्ला की शादी उसकी चचेरी बहन से तय हो चुकी थी। यहाँ ये भी आपको बता दें कि अंजू ने जिस नसरुल्ला से शादी की वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है और पश्तून भी है। नसरुल्ला जिस इलाके से आता है वहाँ महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित हैं। उसके अलावा नसरुल्ला जिस परिवार से आता है वहाँ महिलाओं को ज्यादा अधिकार भी नहीं है। अंजू को शायद यही बात खाई जा रही है कि वो भारत कैसे लौटेगी। हालांकि दोनों की शादी की बात पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। वहीं भारत में भी अंजू की करतूत के बाद उसका मायका और ससुराल उसे देखना तक नहीं चाहता। यहां तक कि पति से हुई फोन पर बातचीत पे तो साफ हो गया कि अब अरविंद के घर में शायद ही उसकी कोई जगह बची है। अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं 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 मेरे को नहीं बताना कुछ। हालांकि इस बातचीत से दो दिन पहले तक अंजू भारत लौटने की कसमें खा रही थी। यहां तक कि अपने बच्चों को भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाने के लिए दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे के लिए आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ। यानी अंजू की भारत वापसी इतनी आसान नहीं है। वहीं पाकिस्तान में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि कितने दिन अंजू पाकिस्तान में रहेगी, क्योंकि विजिट वीजा खत्म होने के बाद तो उसे भारत आना ही पड़ेगा। हालांकि अंजू को मिले तोहफे भी किसी काम के नहीं होंगे। कारण क्या है आप खुद देखें। अंजू को शायद नहीं मालूम कि भारतीयों को वहां नोक बराबर भी जमीन तोहफे में मिलना किसी फरेब से कम नहीं है। इसका कारण है बिना पाकिस्तानी सिटीजनशिप के पाकिस्तान में घर पर नाम लिखवाना संभव नहीं। कटोरेबाज पाकिस्तान में जो चकाचौंध अंजू को दिखाई गई है उससे कुछ दिनों तक तो अंजू पाकिस्तान में गुजारा कर लेगी, लेकिन चार दिन की चांदनी के बाद कब उसकी जिंदगी में अंधेरा आ जाएगा ये बात जाहिर तौर पर अंजू को समझ में आ रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज बातचीत को ऑफर देते हुए शहबाज एक बड़ी गलती कर बैठे। शहबाज ने कहा कि दोनों देशों के बीच तीन युद्ध हुए हैं। हालांकि 1947, 1965 और 1971 के बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, यानी दोनों देशों के बीच चार जंगें हो चुकी हैं। अब आपको वो वजह बताते हैं जिसने शहबाज शरीफ को बातचीत की रिक्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने वहां की कई बड़ी कंपनियों को विदेशियों के हाथों बेच दिया है। यह भी हो सकता है कि साल खत्म होने से पहले पूरे पाकिस्तान की ही बोली लग जाए। शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान पर सेल का बोर्ड लगा दिया है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर के बड़े बड़े लीडर्स आकर बोली लगा रहे हैं।
और ऐसा लग रहा है मानो 2023 में ही वजीर आजम पूरा पाकिस्तान बेच देंगे। पाकिस्तानियों को यकीन है कि अब कटोरा लेकर घूमने के दिन बदल गए हैं। इस्लामाबाद के खजाने में डॉलर्स की कोई कमी नहीं होगी। उसकी वजह है मिडिल ईस्ट से आई एक खबर। मिडिल ईस्ट आई नाम के अखबार ने एक खबर लिखी है जिसकी हेडलाइन में पाकिस्तान की कंगाली दूर करने का फॉर्मूला मौजूद है। ये हेडलाइन है, पाकिस्तान फॉर सेल एज द यूएई एंड कतर मेक देयर मूव्स। यानी पाकिस्तान की बोली लगाने के लिए यूएई और कतर ने कदम उठाए हैं। ये अखबार खाड़ी देशों की खबरें कवर करता है और वहां से इस्लामाबाद की पोल खोलने वाली न्यूज आ गई। शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान को नीलाम करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहां जो भी कंपनी है उसकी कीमत लगा दी गई है। पाकिस्तान ने यूएई के साथ एक कार्गो पोर्ट को बनाने के लिए डील की। ये सौदा होते ही कराची बंदरगाह के 85% हिस्से पर दुबई का कब्जा हो जाएगा। पिछले महीने पाकिस्तान ने कराची पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा 25 सालों के लिए अबू धाबी को दे दिया। इससे पहले पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का बड़ा हिस्सा यूएई की 33 लाख को बेच दिया गया। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को अगले साल तक करीब 80 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तानियों का दावा है कि अब उनके मुल्क में पैसा ही पैसा होगा, डॉलर्स की कमी ही नहीं होगी। पर इसके बावजूद इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी हिंदुस्तान को देखकर रो रहे हैं। पाकिस्तानियों को अब तक खबर भी नहीं और शहबाज ने धीरे धीरे मुल्क का बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में इस न्यूज को मानो सेंसर कर दिया गया हो। इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, चुपचाप पर्दे के पीछे से सारा मामला सेट कर दिया गया। पाकिस्तान बेचने के प्लान में शहबाज शरीफ अकेले नहीं है, जनरल आसिम मुनीर भी इसमें शामिल है। बताया यही जा रहा है कि खुद उन्होंने मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े लीडर्स के साथ डील की है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए शहबाज ने पूरा मुल्क ही बेच डाला। शायद इस समय भी इस्लामाबाद में बोलियां लग रही हैं और जो ऊंची बोली लगाएगा शहबाज उसके हाथों बचा खुचा पाकिस्तान भी सेल कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के नूह में कल की हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। हालात यह है कि नूह के कारण हरियाणा के कुछ और जिलों में भी टेंशन है। नूह में अभी कर्फ्यू लागू है। दंगाइयों ने आम लोगों, पुलिस वालों पर हमला किया। मंदिर, थाना, दुकान, मकान और कारों को निशाना बनाया गया। जी न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से आपको हिंसा के निशान दिखा रहा है। मेवात के जिस नल्हड़ मंदिर को दंगाइयों ने घेरा था उसमें करीब 5000 लोग फंसे हुए थे। सवाल यही उठता है कि क्या दंगाइयों का प्लान 5000 लोगों को मारने का था? जली हुई कारें, जली हुई दुकान, टूटे अस्पताल, टूटे मकान, पुलिस थाने में भी दंगों के निशान। यह हरियाणा के नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद के मंजर हैं। हर तरफ हिंसा के निशान दिख रहे हैं। इलाके में कर्फ्यू लागू है, सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन नूह की फिजाओं में डर और दहशत साफ सुनाई दे रही है। सोमवार को नूह में हिंसा का जो तांडव 5 घंटे तक चलता रहा, उसके पीछे दंगाइयों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी करीब 5000 लोगों को मारने की। वो प्लानिंग क्या थी उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दंगाइयों ने पूरे शहर में आतंक मचाया था। नूह में हुई हिंसा की तस्वीरों को भुलाना शायद नूह के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नूह के आम लोगों का नुकसान बहुत हुआ। इस समय हम जिस दुकान पे खड़े हुए हैं, ये एक नौजवान की दुकान है,
जो कपड़े का व्यवसाय करता था, ये पूरी दुकान कपड़े की दुकान थी और टारगेट करके इस दुकान को जलाया गया। आप पूरी दुकान देख सकते हैं, इस पूरी दुकान को यहाँ पर जला दिया गया। बाहर जो टट्टर था वो टट्टर पूरी तरीके से जल गया। और कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूँगा कि अंदर की एक बार तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो भी फर्नीचर था, जो भी कपड़ा था, जो भी सामान था, वो सारा सामान जो है वो जल के राख हो चुका है। नू में दंगाइयों ने रास्ते में आने वाली हर चीज में आग लगाई। दंगाई रास्ते में आने वाली हर कार को आग लगा देने पर आमादा थे। अब सड़क पर गलियों में कार के अवशेष पड़े हुए हैं। ये कारें मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की थी। नू में जितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया उसकी गिनती इससे कहीं ज्यादा है। रात को जब पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर पहुंचती है, उसके बाद तमाम मंदिर में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कराया जाता है। और फिलहाल जो है पूरे इलाके में माहौल एकदम शांत है। पुलिस जो है लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई भी किसी तरीके की जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश ना करे। नू के जिस शिव मंदिर से जलाभिषेक कर यात्रा निकली थी उस मंदिर का नाम है नल्हड़ का शिव मंदिर। छोटी पहाड़ियों के बीच बने इसी मंदिर में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान घिर गए थे। जिस वक्त 200 से ज्यादा दंगाइयों ने मंदिर को घेरा था उस वक्त मंदिर के अंदर 5000 से ज्यादा श्रद्धालु थे। बाहर पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी की जा रही थी, दंगाइयों की ओर से गोलियां बरसाई जा रही थी। हरियाणा के नूह का यही वो नल्हड़ का शिव मंदिर है जहाँ पर कल यात्रा यहां से निकाली जानी थी। करीब 5 से 6 हज़ार जो यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु आए थे वो यहीं पे मौजूद थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य हिंदू संगठन के लोगों ने जैसे ही यात्रा शुरू की थी अचानक से यहां लोगों पर पथराव शुरू हो गया। इस पूरे मंदिर के आसपास के इलाके को अगर आप देखें तो तीनों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिर्फ यही एक रास्ता है जो यहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ही यात्रा शुरू हुई और पुलिस ने जो उपद्रवी थे उन्हें खदेड़ा तो वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए थे और वहीं से फायरिंग भी की जा रही थी और पथराव भी हो रहा था। हम क्यों कह रहे हैं कि 5000 लोगों को मारने का प्लान था, उसके पीछे कई वजह हैं। 5000 से ज्यादा निहत्थे श्रद्धालुओं को 200 से ज्यादा दंगाइयों ने घेर लिया था। दंगाइयों के पास हथियार थे, दंगाइयों की ओर से कई राउंड फायरिंग भी हुई। दंगाई शिव मंदिर के आसपास की पहाड़ियों पर चढ़ गए थे और पहाड़ी से पत्थर बरसा रहे थे। दंगाई हिंसा के मकसद से ही आए थे, तभी तो उन्होंने मंदिर और उसके पास खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। दंगाई सोशल मीडिया के जरिए मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए थे। हो सकता है कि हिंसा की प्लानिंग के लिए कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया ग्रुप जरूर बनाया गया हो। समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जी न्यूज ने सोमवार को ही दिखाया था कैसे पुलिस ने दंगाइयों से लोहा लिया और हिंसा के बीच मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला था। पुलिस की सुरक्षा में श्रद्धालु मंदिर से बाहर निकल पाए थे। लोग कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। आप देखिए भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही, लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर आती ही जा रही है। कितनी बड़ी संख्या में लोग अंदर थे वाकई में ये सोचने का विषय है। और इतने घंटे बाद जब रेस्क्यू हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपने घर जाने का एक जो घर सुरक्षित पहुंचने की उत्सुकता है वो सामने दिखाई दे रही है। सोमवार को नूह में दंगाई सड़क, मकान, दुकान किसी को नहीं बख्श रहे थे। यहाँ तक कि रास्ते में पड़ने वाले अस्पताल में भी तोड़फोड़ करने से बाज नहीं आए। हिंसा के वक्त का ये सीसीटीवी वीडियो देखिए।
मुंह पर कपड़े लपेटे और हाथों में डंडे लिए दंगाई एक घर पर हमला कर रहे हैं। दरअसल ये घर नहीं बल्कि एक अस्पताल है। एक दर्जन के करीब दंगाई अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ कर रहे हैं। इन दंगाइयों ने अस्पताल के बाहर सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की। इस अस्पताल को भी निशाना बनाया गया और निशाना कुछ इस तरह बनाया गया कि पूरे हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। जितना संभव हो सकता था उतना यहाँ पर नुकसान किया गया। जो भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों को यहाँ पर तोड़ा गया। यहाँ पे जो कांच का पूरा एक गेट था, जो शीशा था, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया, पूरे गेट को तोड़ दिया गया। अभी फिलहाल यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर तोड़फोड़ जितनी संभव हो सकती थी उन उन्मादियों ने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई। नल्हड़ शिव मंदिर से 3 किलोमीटर तक दंगाइयों ने हिंसा का तांडव मचाया। दंगाई इतने बेखौफ थे कि वो नूह के पुलिस थाने में घुस गए। हरियाणा पुलिस के साइबर थाने में घुसकर दफ्तर और गाड़ियां तोड़ दी गईं। इस वक्त आप ये देख सकते हैं, दो दो एसएचओ की गाड़ी है जिनकी हालत जो भीड़ ने क्या कर दी है। न सिर्फ इन दो गाड़ियों के साथ ही तोड़फोड़ की गई है, बल्कि यहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन है, इसके ऊपर भी हजारों की संख्या में जो उपद्रवी थे वो आए। भीड़ ने इस थाने को भी निशाना बनाया। ये साइबर क्राइम का जो थाना है नूह का, उसके ऊपर जो है हमला किया गया था। दंगाइयों के सिर पर हिंसा सवार था, उन्होंने मंदिर को भी निशाना बनाया था। मंदिर पर पत्थर फेंक रहे थे। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक 4,000 से ज्यादा दंगाइयों की भीड़ शहर में खुलेआम घूम रही थी। इधर से आई थी कम से कम 4,000 आदमी, हम वहाँ बस ज़्यादा 50-60 आदमी होंगे अपनी तरफ से। हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी खूब, फिर भी वो दुकानों में आग लगा दी। इधर 2-4 दुकान फूंक दी थी, फिर पंडित जी को मारा, इस पे पत्थर फेंके, फिर बाइक तोड़ दी, बाइक में आग लगा दी, फिर पंडित जी बंद हो गए उसमें अंदर। अब हमारी 50 जन की चलती है जो उससे। नूह में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों की शांति बैठक कराई, जिसमें दोनों पक्षों के बुद्धिजीवी शामिल हुए। पुलिस ने कमेटी के सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की और दंगों के दोषियों को पकड़वाने में मदद करने को कहा। फिलहाल 2 दिनों तक नूह में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लागू रहेगा और पुलिस और अर्धसैनिक बल शहर के संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेंगे। आदित्य प्रताप सिंह और नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, Zee Media, नूह। Zee News।